फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक नई बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स कल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यूपी डीएलएड की परीक्षाएं रद्द होने के पूरे चांस हैं और उसका अपडेट फ्रेंड्स अभी अभी आया है। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आसानी से मिल सके कि एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी नई एग्ज़ाम डेट वैसे ही मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स देखिए जैसा कि थंबनेल से आपको दिख रहा है कि ऑल यूपी एग्जाम्स कैंसल्ड। यूपी डीएलएड परीक्षा यानी कि 2018 और 2019 बैच यानी कि प्रथम और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं फ्रेंड्स। और देखिए ये आज की बड़ी खबर है जो आपकी लखनऊ से अभी हाल ही में हुई मीटिंग के आधार पर मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स न्यूज़ ये है, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। यूपी अब सरकारी कर्मचारी भी करेंगे वर्क फ्रॉम होम से मतलब है घर बैठे ही, यानी कि उनको अपने ऑफिस कार्यालय नहीं जाना है। और आगे लिखा है फ्रेंड्स सभी परीक्षाएं स्थगित, यानी कि जो परीक्षाएं होने वाली थी वो तो स्थगित हो ही गई, प्लस जो चल रही थी वो भी रोकी जा रही हैं और सभी धरना प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। तो फ्रेंड्स देखिएगा आगे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अमर उजाला नेटवर्क लखनऊ अपडेटेड ट्यूजडे 17 मार्च 2020 फ्रेंड्स से कटा हुआ है। देखें आगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे आप सरकारी कार्यालयों में भीड़ खत्म करने के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और आगे लिखा है फ्रेंड्स प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस का मुफ्त इलाज किए जाने की भी घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आज की ये कैबिनेट की खबर है, आप देखेंगे पूरी। आगे लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। और इसके अलावा यूपी में सभी परीक्षाएं, फ्रेंड्स ये बात ध्यान देने योग्य है, यूपी में सभी परीक्षाएँ और प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। जो भी जैसे कि बीओ की एग्ज़ाम होने जा रही थी वो भी स्थगित हो गई है और जो आपकी एकेडमिक एग्ज़ाम्स चल रही थी वो भी स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही स्कूल कॉलेजों और सिनेमा घरों को बंद करने की तारीख को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 मार्च कर दिया गया। और फिलहाल यहाँ देखें आप क्या लिखा है आज की खबर के अनुसार, मतलब अब यूपी में 2 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज और सिनेमा घर सब बंद रहेंगे, सभी धरना प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है। फ्रेंड्स अब स्पष्ट है कि 2 अप्रैल से पहले आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होनी है। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपडेट मिल जाए। और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं तो कृपया वो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि परीक्षाओं की डेट अचानक और बहुत जल्द घोषित की जाएंगी। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा। एडवांस में बेस्ट ऑफ